हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आज ट्विडो सॉफ्टवेयर का यूज करके, जो कि स्नाइडर कंपनी का है, उस पे आप लोग को ट्रैफिक लाइट का पीएलसी प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, वो आप लोग को रन करके दिखाऊंगा और आप उसे अंडरस्टैंड करो कि वो प्रोग्राम कैसे होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यदि आपका रिक्वायरमेंट है तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, मैं उसका आपका उसका जो कंट्रोल सर्किट है वह भी आप लोग को बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं आप लोग फिर बता देता हूँ, यह जो सॉफ्टवेयर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, वह ट्विडो सॉफ्टवेयर है स्नाइडर कंपनी का, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने ट्रैफिक लाइट पीएलसी प्रोग्राम मैंने बनाया है, उसको आपको अभी मैं ओपन करके उसको दिखा रहा हूँ कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे रन हो फ्रेंड्स, ठीक है। यह जो अपन हम प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, वह जो जो कंट्रोल सर्किट होता है, कंट्रोल वायरिंग होती है फ्रेंड्स, एक्चुअल में हम जो वायरिंग करते हैं उसी को ही अंडरस्टैंड करके अपना पीएलसी प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये अपना पीएलसी ओपन हो गया है, ये देखो फ्रेंड अपना, मैंने इसको ओपन कर लिया है। पीएलसी ट्रैफिक लाइट पीएलसी जो प्रोग्राम मैंने बनाया था ये ओपन हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोग को रन करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अपना यहाँ पे देखो, हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया है, आप यहाँ पे कंट्रोल एम से भी बोल सकते हो, सेलेक्टर स्विच से हमने एक इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। और हम ट्रैफिक लाइट में तीन सिग्नल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने तीन सिग्नल होता है फ्रेंड, पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन, ठीक है फ्रेंड। हमने यहाँ पे देखो, अपना जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल में जो सर्किट बनाते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वन है, उसको आप रेड मान लो, ठीक है। यदि यह कॉन्ट्रैक्टर वन और चालू हो गया तो आपका रेड सिग्नल चालू हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर टू, यह येलो सिग्नल के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है, येलो इंडिकेटर के लिए है। यह है अपना कॉन्ट्रैक्टर थ्री, यह है ग्रीन सिग्नल के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे टाइमर यूज किए हैं, जो कि तीन टाइमर हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे तीन टाइमर यूज किए हैं, देखो फ्रेंड। पहला टाइमर आपको ये है, ये जो दिख रहा है TM1, ये पहला टाइमर है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा टाइमर ये है TM2, ठीक है फ्रेंड्स। अपना तीसरा टाइमर ये देखो TM3 है, ये जो अपना ये तीसरा टाइमर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसकी कंट्रोलिंग जो वायरिंग उसको देखते हुए इसका सारा हमने प्रोग्राम किया हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप इजीली समझ जाओगे कि यह कैसे वर्क करता है और कैसे बना है, ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। अब देखो, मैं आपको ये तो आप समझ गए क्या क्या चीज़ है। अब देखो फ्रेंड, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर टू का NC यूज किया हुआ है, यहाँ से उसे भी ऑन किया, तो वो जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर टू के NC से फिर कॉन्ट्रैक्टर थ्री के NC से होते हुए जाएगा कॉन्ट्रैक्टर वन को, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर वन हमारा चालू हो जाएगा तो हमारा रेड सिग्नल जल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर टू के NC से और कॉन्ट्रैक्टर थ्री के NC से ही, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर वन चालू होगा वैसे ही हमारा ये टाइमर T1 भी चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमारा ये देखो कॉन्ट्रैक्टर T1 के NO से सप्लाई दिया हुआ है, वह फिर उसके बाद NC से जाएगा कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर टू को, जो कि यदि ये चालू हो जाएगा तो हमारा एलो लाइट चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर टू जो है, इसका ये NO यूज किया है वह होल्डिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टर टू के होल्डिंग के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये है, यहाँ पे देखो अपना, इसमें कॉन्ट्रैक्टर थ्री के NC और टाइमर वन के NO से सप्लाई दिया हुआ है टाइमर को, इस टाइमर को, टाइमर टू को, ठीक है। और होल्ड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर अपना दूसरा चालू हो जाएगा वैसे ही यह वाला टाइमर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह है हमारा टाइमर, दूसरे टाइमर के NO से फिर तीसरे टाइमर के NC से दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर
तीसरा होल्ड हो जाएगा, इसके बाद इस पर सप्लाई आ जाएगी और ये हमारा चालू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे तरह यही देखो वायरिंग है T1 ये T2 के NO से फिर T3 के NC से टाइम सप्लाई दिया हुआ है तीसरे टाइमर को, और यहाँ पर फिर उस सब फिर कॉन्टैक्टर जब तक हमारा ये तीसरा लगा रहेगा, इसके बाद होल्डिंग के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो जब तक तीसरा में सप्लाई रहेगा इसके NO में कॉन्टैक्टर के तीसरे कॉन्टैक्टर के, तब तक हमारा ये टाइमर चालू तो रहेगा, ठीक है। अब ये देखो कितने सेकंड का मैंने सेट किया हुआ है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तीन टाइमर यूज़ किया है, TM1, TM2, TM3। इसका बेस वैल्यू 1 सेकंड दिया हुआ है और 10-10 सेकंड के लिए सभी को ऑपरेट किया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको, ये हमने इसको सिमुलेट किया फ्रेंड्स, इसका सिमुलेशन चालू हो गया। देखो फिर अब हमने पहले अपना जो कंट्रोल MCB है या सेलेक्टर स्विच है उसको हम चालू कर देते हैं, एक नंबर पर सप्लाई दे दिया, चालू हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करा देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं, ओके कर दिया फ्रेंड्स, चालू हो गया। अब देखो फ्रेंड्स हमारा कॉन्टैक्टर 1 लग गया है, ये टाइमर का देखो आप यहाँ पे काउंटिंग चालू हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये देखो चालू हो गया है। और इसके बाद देखो अपना कॉन्टैक्टर 2 लग गया येलो सिग्नल के लिए, ये चालू हो गया, और इसका यहाँ पर देखो काउंटिंग चालू हो गया इस टाइमर का, जैसे ये 10 सेकंड पूरा करेगा यहाँ पे देखो तीसरा अपने बाद चालू हो गया, तीसरा लग गया, ये पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद देखना अपना कॉन्ट्रैक्टर 1 लग जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अपना कॉन्ट्रैक्टर 1 होल्ड हो गया और रेड सिग्नल जल गया फ्रेंड्स, ठीक है, चालू हो गया। आपको यहाँ पर भी देखो अपना यहाँ पर भी देखना कि आप देखो इसमें दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, देख रहे हो आउटपुट में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, अभी कुछ देर बाद आपको यह देखना तीन नंबर ग्रीन हो गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हमने इसकी कंट्रोलिंग PLC की है, प्रोग्राम किया हुआ है, आप इसको देखो प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कहता नहीं समझ जाओ फ्रेंड। आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दो फ्रेंड, ठीक है। मैं आप लोग को टाइमर से और काउंटर से और सारी इस सॉफ्टवेयर पर मैं आप लोग को ढेर सारी करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।